आज की कहानी है दो दोस्तों की, जिनमें से एक का नाम था निक्कू और दूसरी का नाम था शीना। निक्कू बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, उसके सुंदर बाल, सब कुछ बहुत अच्छा था और उसे खुद पे बहुत घमंड भी था। वहीं शीना बहुत ही साधारण दिखती थी, पर उसे अपनी सुंदरता या किसी चीज से कोई परेशानी नहीं थी। वो खुश थी जैसी वो दिखती है। पर निक्कू और ज्यादा सुंदर बनना चाहती थी। इतनी अलग सोच होने के बावजूद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शीना बहुत अमीर थी और निक्कू साधारण से घर से आती थी। शीना, तुमने देखा मेरा नया नेकलेस कितना प्यारा है ना? ये मैं कल ही लेके आई थी। ये बहुत सुंदर है और इसे पहनने के बाद तो मेरी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। देखो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है और तुम कितनी अच्छी लग रही हो इसे पहन के। शुक्रिया शुक्रिया, मैं जो भी पहनती हूँ वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। पर एक मिनट, तुमने भी नया नेकलेस ले लिया? कब? वो दरअसल मैंने परसों ही नया नेकलेस लिया है। अरे पर मेरा नेकलेस कितना छोटा है और उसका नेकलेस कितना बड़ा है। ये हमेशा ऐसी चीजें कहाँ से लेके आ जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। उसका नेकलेस काफी भरा भरा है और मेरा नेकलेस कितना छोटा है। अरे निक्कू, किस सोच में खो गई? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मेरा नेकलेस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और वहीं तुम्हारा नेकलेस इतना अच्छा लग ही नहीं रहा है। शायद वो तुम्हारे रंग की वजह से, मैं गोरी हूँ ना तो मुझ पे ज्यादा खिल रहा है। हो सकता है। तभी निक्कू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो अपनी सहेली का नेकलेस ले लेगी। शीना, हम एक काम कर सकते हैं। तुम अपना नेकलेस मुझे दे सकती हो और मेरा नेकलेस तुम पहन सकती हो, शायद ही तुम पे अच्छा लगे। वैसे मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ, अरे नहीं नहीं निक्कू, मुझे ये पसंद है, कोई बात नहीं। ये कितनी चालाक है, ताकि मैं इसका नेकलेस ना पहन लूं मुझे दिखाई नहीं रही है। मुझे ये नेकलेस चाहिए। अरे शीना, दिखाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये नेकलेस पहन लो। ये लो मेरा नेकलेस। वाव वाव वाव, ये कितना सुंदर है, मजे आ गए। अब लग रही हूँ मैं बहुत सुंदर। शीनो, अब तुम अच्छी लग रही हो इस नेकलेस को पहन के। देखा मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो और तुम अच्छी लगो, मुझे यही चाहिए बस, समझी? हाँ निक्कू, जरूर, तुमने ठीक बोला। और हाँ, तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अपने निखार को निखारो। तुम सोने से पहले अपने मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाया करो, तुम गोरी हो जाओगी मेरी तरह, समझी? और हाँ, अगर तुम्हें बालों के लिए भी कुछ करना है तो अपने बालों में आंवला, शिकाकाई, ये सारी चीजें लगाया करो। और हाँ शीनू, डरना मत, ये आंवला शिकाकाई पुराने जमाने का आंवला शिकाकाई नहीं है, ये नया शैम्पू है जो मार्केट में आया है, मैं वही लगाती हूँ। अरे पर निक्कू, मैंने तो सुना है उसमें केमिकल्स होते हैं, हमें वो नहीं लगाना चाहिए। तुम भी उसे लगाना बंद कर दो। अगर तुम्हें लगाना ही है तो तुम नेचुरल वाला आंवला शिकाकाई लगाओ, ये शैम्पू वगैरह ठीक नहीं है। ये सही तो कह रही है, तभी मैं सोचूं मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो शायद। अच्छा शीनो, एक बात तो बताओ, तुमने ये सैंडल कहाँ से लिए? कितने सुंदर हैं ये, तुम्हारे पैरों में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, पर ये मेरे पैरों में होते तो और ज्यादा प्यारे लगते, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पर निक्कू, तुम्हारी सैंडल भी तो कितनी प्यारी है। प्यारी? क्या खाक प्यारी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले एक साल से यही सैंडल पहन रही हूँ और तुम तो हर दिन हमेशा नई नई सैंडल पहनती रहती हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मेरी सैंडल, हाँ ये अच्छी तो है, वो मैंने पहन रखी है ना इसलिए। मेरे पैरों में तो सब कुछ अच्छा लगता है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ नहीं नहीं निक्कू, मैंने तो बस कवर चेंज किया है, फोन तो वही है, देखो बस ये ग्लिटरी कवर लगाया है, अच्छा है ना? ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है,
इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओ अच्छा, पर ये मुझे अच्छा लगा था। मुझे समझ नहीं आता है शीनू, तुम इतनी ओल्ड फैशन चीजें कैसे ले सकती हो, वो भी मेरी दोस्त होने के बाद। पता नहीं कैसे कैसे तुम कपड़े पहनती हो, पता नहीं कैसे तुम ज्वेलरी पहनती हो, और फोन का कवर भी अब तुमने अपने जैसा ले लिया है, बिल्कुल ओल्ड फैशन। और देखो तुम्हारा बैग कैसा लग रहा है, जैसे किसी बच्चे का बैग हो। किसी लड़की का ऐसा बैग कभी देखा है क्या? वो वैसे मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तो पसंद ही नहीं है। और तुम तो जानती ही हो मैं अपनी मम्मा का ही फ़ोन शेयर करती हूँ, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा देर तक मैं करूँगी ही क्या, गेम्स खेलने हैं बस। हाँ निकू तुम सही कह रही हो, मैं भी ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वैसे ये इतनी सारी चीज़ें सिर्फ मुझे जलाने के लिए लाती है। अभी मैं इसे मज़ा चखाती हूँ कि कैसे चीज़ों का शो ऑफ होता है। एक बार मुझे अपना फ़ोन तो दिखाओ। हाँ देखो ना, क्या देखना है तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ मुझे ये देखना है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। मैं ज़रा देख लूँ। हाँ ये अच्छा तो है पर इसमें वो ऐप्स नहीं है। आप एक काम करती हूँ, इसका फ़ोन नीचे फेंक देती हूँ। बढ़िया, ये फ़ोन चलाने वाली, इसे भी तो पता चले बिना फ़ोन के कैसा लगता है। अभी मज़ा चखाती हूँ इसे। अच्छा शीनू, तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है वो दूर? पेड़ कितना सुंदर है ना। पेड़ कहाँ पर? कहाँ? वो दूर, वो वहाँ पे, वो वाला पेड़ वहाँ पे, वो दूर वो पेड़, वो देखो देखो। I'm sorry, तुम्हारा फोन गिर गया। अरे वो तो नीचे गिर गया। I'm so sorry। नो, वो तो नीचे गिर के टूट गया। Oh shit, मैं अभी उठा के लेके आती हूँ। ये तो टूट गया है। Oh no, तुम्हारा प्यारा फोन टूट गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। निको ये नाटक बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुमने किस तरह से मेरे फोन को नीचे गिराया जानबूझ के। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन से कम नहीं माना, पर तुमने शायद कभी मुझे अपनी दोस्त भी नहीं माना, तभी तो तुमने मेरा फोन जानबूझकर गिरा दिया। क्या कह रही हो तुम ये? निक्कू मैं भी इंसान हूँ, मैं सारी चीजें देखती हूँ पर कुछ कहती नहीं, ये सोच के कि तुम भी मेरी दोस्त हो और मुझे अपना दोस्त ही समझती होगी। पर तुमने जो ये मेरा फोन जानबूझ के नीचे गिराया है, ये मुझे सब कुछ समझ आया है। जब तुमने मुझसे नेकलेस मांगा तो मैंने तुम्हें चुपचाप से दे दिया, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। पर तुमने आज जेलसी में मेरा फोन ही तोड़ दिया। क्या दोस्ती में जेलसी के लिए जगह होती है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो ना शीनू। काश मैं तुम्हें माफ कर सकती अगर तुम एक अच्छी इंसान होती, पर अच्छी दोस्त हो क्या, तुम एक अच्छी इंसान भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि दोस्ती करते कैसे हैं और दोस्त होता कौन है। फोन तो बहुत छोटी चीज है, पर आज तुम्हारी जेलसी के कारण मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ और तुम्हें ये सीख दे के जा रही हूँ कि हमें कभी अपनों से नहीं चिढ़ना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर निकू को बहुत बुरा लगा और उसे समझ में आया कि उसने एक बहुत अच्छी दोस्त खो दी है। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि सारी चीजों से ऊपर हमारी दोस्ती होती है। हमें वैसे तो किसी से भी नहीं चिढ़ना चाहिए, पर अपने दोस्तों से तो बिल्कुल भी नहीं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे दोस्त हमारे लिए हमेशा भला चाहते हैं, तो हमें उनके लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, दोस्ती अनमोल होती है।